सो है हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को नेक्स्ट इवोल्यूशन गन के बारे में बताने वाला हूँ, जो M1887 होने वाला है। सो देखने में कैसा होगा मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। साथ में आप लोग को अपकमिंग एलाइट पास का भी कुछ आइटम्स दिखा दूंगा एंड साथ में OB27 रिगार्डिंग कुछ अपडेट रहेगा इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा एंड गाइस, जो लोग भी चैनल पर पहली बार हो नए आ रहे ना, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा जो पहला चैनल था वो सस्पेंड हो गया है, 62K सब्सक्राइबर था। तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करने के जरिए थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा देना एंड वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इवोल्यूशन शॉटगन के बारे में। सो आप लोग यहाँ पे शॉटगन देख पा रहे हैं ग्रीन एंड व्हाइट कलर पे, तो इसका डिजाइन बहुत ही ओपी लगा मुझे। सो मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक गाइस, आप लोगों को नेक्स्ट इवोल्यूशन गन पे आप लोग को ये M1887 का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसका नाम एंड एट्रीब्यूट अभी तक रिवील नहीं हुआ, क्योंकि आने में अभी भी बहुत ही टाइम बाकी है। एंड एक कॉन्फर्म न्यूज है गाइस, आप लोग को ये वाला गन स्किन फेडेड व्हील के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही ओपी वाला गन स्किन होने वाला है। एंड गाइस, जो गन स्किन है आप लोग को कोलाब्रेशन के दौरान देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, ये जो M1887 का स्किन है ये कोलाब्रेशन वाला M1887 स्किन होने वाला है। तो फेथ नाम का एक कंपनी के साथ फ्री फायर कोलाब्रेशन करने वाले OB27 अपडेट के बाद, तो इसके रिगार्डिंग और भी कुछ आइटम आने वाला है, तो चलिए मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे गाइस आप लोग देख पा रहे हैं फेथ नाम का यहाँ पे लोगो दिया गया है इस कार की स्किन के ऊपर एंड इसका कलर आप लोग देख पा रहे हैं ग्रीन एंड ब्लैक कलर पे दिया गया है। सो आप लोग को ये वाला गाड़ी का स्किन कोलाब्रेशन के दौरान ही देखने के लिए मिल जाएगा इस शॉटगन के साथ साथ। जैसे हमारा कोबरा इवेंट लॉन्च हुआ है, सेम ए भी इवेंट आप लोग को लॉन्च देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में गाइस आप लोग को यहाँ पे इसका पैराशूट भी देखने के लिए मिल रहा है जिस पे फेथ लिखा हुआ है, तो ये कॉन्फर्म है नेक्स्ट कोलाब्रेशन आप लोगों को फ्री फायर के साथ फेथ कंपनी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, ये सब तो था हमारा नेक्स्ट इवोल्यूशन गन स्किन एंड नेक्स्ट कोलाब्रेशन के बारे में। अभी गाइस मैं आप लोगों को नेक्स्ट एलाइट पास के कुछ आइटम्स के बारे में दिखाने वाला हूँ, साथ में OB27 पे कुछ गन स्किन वगैरह एंड मिली के स्किन आएगा जो आप लोगों को बहुत ही ओपी लगेगा। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को उन सब का भी डिटेल्स दिखा देता हूँ। सो गाइस सर, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक ब्लू कलर के मॉन्स्टर ट्रक देख पा रहे हैं जो क्रिस्टल टाइप का बना दिया गया। इसका डिजाइन वगैरह तो उतना भी क्लियरिटी नहीं लग रहा है, बट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो आप लोगों को नेक्स्ट एलाइट पास के अंदर आप लोग के मॉन्स्टर ट्रक का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में आप लोग यहाँ पे क्रिस्टल टाइप का एक बैकपैक का स्किन देख पा रहे हैं। सो ये जो बैकपैक का स्किन है गाइस, आप लोगों को इसी एलाइट पास के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में इस एलाइट पास के अंदर आप लोगों को एक हैंड कैनन की स्किन एंड एक MP5 का भी स्किन देखने के लिए मिल रहा है। सो बहुत ही ओपी वाला एलाइट पास होने वाला है एंड अपकमिंग जो एलाइट पास है वो क्रिस्टल टाइप का होने वाला है। एंड गाइस मैं आप लोगों को कुछ बैकपैक का स्किन दिखा देता हूँ। तो ऊपर पे आप लोग 3 बैकपैक देख पा रहे जो आप लोगों को एलाइट पास का बैकपैक देखने के लिए मिलेगा। एंड नीचे के जो बैकपैक देख पा रहे गाइस, कोलाब्रेशन बैकपैक होने वाला है, तो बहुत ही ओपी वाला बैकपैक स्किन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे। अभी तो अपडेट आने के बाद ही पता चल जाएगा कौन सा बैकपैक स्किन कहाँ पे देगा। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ गाड़ियों का स्किन भी देख पा रहे हैं। ये जो गाड़ी का स्किन देख पा रहे गाइस, कोलाब्रेशन वाला गाड़ी का स्किन एंड बाकी तीनों गाड़ी का स्किन कोई इवेंट पे दिया जाएगा, बट ये वाला स्किन आप लोगों को एलाइट पास के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। एंड यहाँ पे आप लोग और भी कुछ गाड़ी का स्किन देख पा रहे बहुत ही ओपी वाला। सो यहाँ पे आप लोग को मोटर बाइक का भी स्किन देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये जो बाइक का स्किन है गाइस, आप लोग को एक स्पेशल इवेंट के दौरान देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसी बाइक की स्किन के साथ साथ गाइस आप लोग को यहाँ पे ये मिली का स्किन, पिस्तौल का स्किन, MP5 एंड ये जो ऑक का स्किन है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए कोई अलग सा स्पेशल इवेंट आने वाला है। साथ में गाइस यहाँ पे आप लोग और भी बहुत कुछ आइटम देख पा रहे, जैसे कि ये गिटार एंड ये जो पियानो है, तो हमारा स्काइलर कैरेक्टर का ये आइटम है, तो आप लोग को ये आइटम बहुत ही जल्दी हमारे सर्वर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा OB27 अपडेट के बाद। सो गाइस, आप लोग के पूरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। सो अभी तक इस टॉपिक के बारे में कोई भी यूट्यूबर आप लोग को कोई भी अपडेट नहीं दिया होगा, सबसे पहले मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो वेनिनोसा जो कोबरा MP40 था उसके पहले ही मैंने अपडेट आप लोग को दिया था, वो भी कॉन्फर्म अपडेट। तो इस बार भी मैं आप लोग को M1887 का एक कॉन्फर्म अपडेट दे दिया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो पहला चैनल तो सस्पेंड हो गया है गाइस, तो उसका कोई गम नहीं है, लेकिन इस चैनल पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखा देना, ताकि हम लोगों का यहाँ पे 100 के सब्सक्राइब बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।